अरे वाह, बढ़िया नींद मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए। आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं जंगल में घूम रहा हूँ, आज मैं काम कर हूँ। हे बबलू भाई, अरे चिरकुट, इतनी सुबह कहाँ चल दिए तू? हाँ क्या है, मैं अपने घोंसले का पता फिर से भूल गया, इसलिए फिर से बना रहा हूँ, नया वाला, ताज़ा वाला, मस्त वाला, झकास वाला। बात में तो दम है, मेरी कोई मदद चाहिए तो बता देना। तुम्हारी मदद? अच्छा तो? नहीं चाहिए। ध्यान रखो अपना बबलू, चलता हूँ मैं, बाय बाय। अलविदा मेरे दोस्त। झूठ मत बोलो, जल्दी वापस करो मुझे। रंचो, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। तुम एक मुजरिम हो। नहीं, सजा जरूर मिलेगी। ए रंचो सनी, रंचो सनी, तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो? किसी ने मेरी शाही टोपी चुरा ली, मेरा शक इस पर है। नहीं किया, मैंने तुम्हारी शाही टोपी नहीं ली है बबलू, मैंने इसकी शाही टोपी नहीं ली है, मेरा विश्वास करो। मैंने पूरे गुफा में छान मारा, कहीं पर भी नहीं है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे विश्वास करो। यार रंचो, मुझे नहीं लगता कि सनी ऐसा काम कर सकता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर सनी टोपी का करेगा क्या? मैं इसे सजा जरूर दूंगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे इस मामले को ठीक से समझ ले दो। मैं वादा करता हूँ, मैं असली चोर को पकड़ लूंगा, तुम्हारे पास ले आऊंगा। ठीक है बबलू, मैं तुम्हें इसे बचाने का एक मौका देता हूँ। अच्छी बात है, अब हमें उस गुफा के अंदर जाकर देखना होगा। ए, मुझे लगता है कि हमें एक इंटीरियर डेकोरेटर रख लेना चाहिए। फालतू का मजाक मत करो मेरे साथ में, ये जगह को मैं ही सजाऊंगा। यही है वो जगह। अच्छा, यहाँ पर रखा तो मैंने, कहाँ गया बताओ अभी यहाँ से। तो इसे देखकर तुम क्या कह सकते हो, मामला क्या है? ठीक है, मुझे जरा पूरी तरह से तहकीकात करने दो। उस चोर ने कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा, जैसे कि मैंने कहा था, पंजे के निशान। यहाँ पर किसी के पंजे के निशान है, अब हमें उस शख्स का पता लगाना होगा जिसके निशान है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये किसके निशान है? ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर बसने वाले सभी जानवरों के पंजे को हम इससे मिलाएंगे, उसके बाद असली चोर का पता चल जाएगा, क्या बोलते हो? बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक मिनट रुको जरा, तुम्हारे पंजे का निशान चोर के निशान से बिल्कुल मिलता जुलता है। हाँ देखो तो जरा। क्या कहा, क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, बाप रे ये क्या है? हे दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। बात तो बहुत पते की है, अब खेल मत खेलो। हाँ मान लेता हूँ कि ये निशान मेरे पंजे जैसा ही है, लेकिन ये मेरे हाथ का निशान नहीं है, अभी अपनी तहकीकात जरूर पूरी करो। हाँ ठीक है ठीक है, करता हूँ। भाई जरा शांति रखो, हमें बस सच पता लगने ही वाला है। अच्छा यार, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मकड़ी भी आई थी। मुझे ये लग रहा है कि मैं पागल ही हो जाऊंगा, क्या होगा मेरे शाही टोपी के साथ में, कौन क्या करेगा उसके साथ? क्या करूँ मैं, भगवान मेरी कोई मदद करो। हे रंचो, अपना कुछ संभाल मेरे दोस्त। रंचो सनी, देखो मुझे क्या मिला है। अरे वाह, क्या हो गया? लगता है चोर इसी रास्ते से भागा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चोर इसी रास्ते से भागा है, भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो चोर ने ये रास्ता बनाया सामने के दरवाजे से जाने के बजाय। चोर ने इसी रास्ते से रफू चक्कर हो जाना सही समझा, देखते वो कहाँ है। ए बाहर निकल, बाहर निकल, मैं कहता हूँ बाहर निकल, बाहर आ जा अभी के अभी, बाहर आ, मैंने कहा बाहर आ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। बोलो ये क्या नाटक लगा के रखा है? आ जा रहे मेरे दिल पर, जल्दी आ। दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्यों, नींद तो नहीं हराम हुई तुम्हारी? ये तो डुग्गू है। अब जरा ये बताने का कष्ट करोगे कि रेंचो की शाही टोपी कहाँ है? बबलू, तुम्हारे पास जवाब है और मेरे पास सवाल।
बबलू, मुझे किसी भी टोपी के बारे में कुछ नहीं पता, समझे? चलो ये बता दो कि तुमने टोपी रखने वाली जगह के पास ही ठीक रास्ता क्यों बनाया? बबलू, क्या तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी बकवास का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। चलो जल्दी सच बताओ, अब बोलो और मुंह खोलो, जल्दी। बहुत हुआ, अब तुम लोगों से मैं नहीं, मेरा वकील बात करेगा, समझे क्या सड़े हुए भालू? एक मिनट, ये काम डुगो का नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त चोरी हो रही थी उस वक्त वो मेरे साथ था। अब मैं क्या कहूँ यार, मैं तो तहकीकात कर रहा हूँ बस। अगर कोई और सवाल ना हो तो मैं अपने घर वापस जाना चाहूँगा, समझे क्या बेवकूफ कहीं के। रंचो, अगर तुम्हें शाही टोपी का इतना ही लगाव था तो तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? बाबू, और मैंने ही सुरक्षा बदली थी, वो भी सुबह सुबह। अरे नहीं बाबू, नहीं चोरी की है, चलो पकड़ेंगे उसे, चलो। महाराज, कहाँ हैं आप? बाबू, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, मैं आपके लिए फल और सब्जी लेने गया था, ये लो। बाबू, मैंने तुमको शाही टोपी का ध्यान रखने को कहा था, शाही फल का नहीं। मैंने सोचा था कि मैं सही समय पर लौट आऊंगा महाराज, मैं नहीं चाहता था कि आप भूखे रहो, माफी चाहता हूँ महाराज। किसी ने शाही टोपी को चुरा लिया? नहीं, अरे ये नहीं हो सकता, मैं तो बस एक मिनट के लिए बाहर गया था, मैंने वहाँ पर कुछ पत्ते और लकड़ियाँ भी रख दिए थे। किसने इतनी हिम्मत करी है आपकी टोपी चुराने की? माफी चाहता हूँ महाराज। अरे बाबू रुको, तुम याद करो कि जब तुम यहाँ पर थे तो तुमने किसी को आते जाते देखा था? याद तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ तुम थे। मैं? हाँ, जब मैं बाहर गया तो मैंने तुमको बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करते हुए देखा था। अच्छा, तो इसीलिए तुम शाही टोपी ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हो? अरे नहीं, तुमने ये सब करके तो बहुत अच्छा नाटक रचा। बताओ जल्दी से टोपी कहाँ है? तुम लोग पागल हो गए क्या? उसे छोड़ दो, बबलू ने कुछ नहीं किया। देखो, मुझे एक सबूत मिला है, यहाँ आओ जल्दी, इसे देखो। ये क्या पंख? आज मैं काम करूं। बबलू भाई, इतनी सुबह इतने छोटे कपड़े पहन के कहाँ चल दिए? वो क्या है, मैं अपने घोंसले का पता फिर से भूल गया, इसलिए फिर से बना रहा हूँ, नया वाला, ताजे वाला, मस्त वाला, झकास वाला। अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया, आज सुबह की बात है, मुझे चिरकुट मिला था, वो ये बात भूल चुका था कि उसने अपना घोंसला कहाँ बनाया है और नया बनाने की फिराक में था। वो ये भी हो सकता है कि उसने गलती से चुरा लिया हो। हो सकता है बबलू, क्यों ना हम उसे ढूंढ कर उससे बात करें। हाँ, शायद उसने चोर को देख लिया हो। चलो बाहर आ जाओ। चिरकुट, तुम कहाँ हो? चिरकुट बाहर है, चिरकुट सामने आ, चिरकुट। आज मैं काम कर हूँ। अरे यार चिरकुट, रंचो, चिरकुट पेड़ पर है। पे क्या कर रहे हो, नीचे आओ जल्दी। नमस्ते मेरे दोस्तों। अरे मुझे नहीं लगता कि चिरकुट के पास तुम्हारी टोपी है। इसी ने मेरी शाही टोपी चुराई है, नीचे आ जा तू। हट। अच्छा, तो तुम लोग मेरे घोंसले की तारीफ करने आए हो? बिल्कुल भी नहीं, अब हम यहाँ इसका घर उड़ा देंगे। शाही टोपी? तुम्हारा मतलब है कि वो जो सड़ी हुई टोपी वहाँ पर थी? ओ, बात ऐसी है, मैं अपना घर बनाने के लिए सामान ढूंढ रहा था पूरे जंगल में। हाँ, इतनी सारी शाखाएं, ये मेरा घर बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहेंगी ना। अरे यार, ये क्या है? वो क्या चीज है? वाह, मजा आ गया यार। अब मेरा घर फटाफट बन जाएगा। वाह, मुझे अपने घर की बुनियाद मिल गई। बस यही हुआ दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई शाही टोपी है। चिरकुट, अरे ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। चिरकुट, क्या तुम वो शाही टोपी रेंचो को वापस दे सकते हो? मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ बबलू, जैसे तुम कहो। वाह, मेरे दादा की आखिरी निशानी। अरे वाह, मेरी शाही टोपी वापस मिली बाबू, हमें इसे छुपाने के लिए अच्छी जगह चाहिए। चलो जल्दी से। हे बबलू, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? क्या कहा तुम और मैं? ठीक है, मैं तुम्हें अपने भाई डब्लू से मिलाता हूँ, चलो।